अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड अदर रिएक्शन वीडियो जी। आज की रिएक्शन वीडियो करता हूँ भाई मैं शुरू। भाई आज मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। एक चैनल है हरचंद राम के नाम से, तो भाई हिंदू भाई हैं वो भी, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। तो जो सीमा केस था, जो सीमा का जो है केस चल रहा था, सचिन सीमा का, सीमा हैदर का, तो भाई वो उस हवाले से उन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था वीडियो, तो उनकी वीडियो मेरे सामने आ गई, तो भाई मैं उनकी वीडियो पे दूंगा रिएक्शन। तो भाई बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं उनकी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो भाई चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। तो चलते हैं भाई, करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई ये मैं करता हूँ प्ले, ये भाई होगी प्ले। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स। ये भाई हरचंद राम भाई हैं, तो रहमियार खान में इनकी रिहाइश है जिथाना। तो यहाँ पर जरा केस कुछ यूं बना के हमारे साथ का बाद में ना तीन हिंदू बच्चियों को जो है अगवा किया गया, साथ का बाद में इनकी रिहाइश है मुस्लिम करने वाले की गया, ठीक है ना। तो यहाँ के पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू मिनोरिटी जो हमारी है सारी सब कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, और यहाँ पर हम कुछ एहतजाज करने वाले हैं। और उनके जो माँ बाप हैं, उनके भाई हैं, उनके कज़न हैं, हम उनसे भी आपको बात करवाएंगे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है जी, उनकी बच्चियाँ जो है उन्हें नहीं मिल रही, तो हम ये जानेंगे कि एक हफ्ते में उनका कुछ बना है, कानून उनका साथ दे रहा है कि अदालत में जज उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तानी लोग उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सारा कुछ पाकिस्तान में रहते तो या पाकिस्तानी साथ देंगे क्यों नहीं देंगे वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना और जरूर देखना जी। पाकिस्तान भाई साथ देगा क्यों नहीं देगा साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, पाक आर्मी जिंदाबाद भाई, तो क्यों नहीं भाई। आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि आपको आज़ादी है, ठीक है, आप महफूज हैं पाकिस्तान में, तो आपका क्यों नहीं पाकिस्तान साथ देगा। तो भाई देखते हैं भाई आगे क्या ये भाई कहते हैं वीडियो में। अच्छा ये खड़े हैं हरचंद राम भाई, ये देख ले ये बाप है उनके, इनकी बच्ची हैं, क्या हालत है, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया, चाचू और कोई ये चाचू है चाचू, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के नाम हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है, अखलाकियात इस्लाम में अखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। अपना 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं, तो हम यहाँ यहीं पे हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है, हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल स्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा, उन्होंने अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं। तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं है बिल्कुल भी, शख्स ने बनाई हुई है जिसका नाम मियां महफूज नहीं होंगी, तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे, हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, इनकी बच्चियाँ अगवा मतलब उठा ली गई हैं, हिंदू बच्चियाँ, अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वो आई थिंक वो सीमा केस की वजह से मेरे ख्याल से कि वो सीमा जी हिंदू बन गई हैं और इंडिया चली गई हैं और उनको वापस नहीं भेजा जा रहा, मे भी शायद इसलिए। तो मेरे ख्याल से लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए यार, जिसकी गलती है सजा उसको ही मिलनी चाहिए बस, ये नहीं कि आप गलती कोई और करें और सजा आप किसी और को दें, नहीं ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए। जो गलती पे है जो राइट पे है ठीक है, उसको राइट मिलना चाहिए उसका, और जो गलती पे है उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। इस पे किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं हम मतलब पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, मतलब साबकाबाद में जो हिंदू हैं हिंदू भाई हैं ये वो हैं। यहाँ पे एएसपी साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, यहाँ डीपी ऑफिस भी आए हुए हैं लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा ना इस पे एक्शन लें, अमल करें ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए उनको भी इंसाफ मिले। देखिए बाप की क्या हालत है, आप देखें ना जरा उनकी हालत है, 8 दिन हो गए उनके लिए उनके ऊपर गल यार कितनी वैसे गलत बात है यार, इनके घर में जैसे कोई हम तो पाकिस्तानी यार, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
जो पाकिस्तान का मतलब जो पाकिस्तान के नेशनल हैं, जो पाकिस्तान के हैं, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना यार। चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी हो, वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो मेरे नहीं ख्याल से ऐसा होना चाहिए यार। हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाए। सर आपकी भी अप्रोच है, आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं करते? देखिए इस वक्त तो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के सिंध से MNA बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो बंदे जो हमारे कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के सिंध से मुस्लिम लीग नून के MNAs बैठे हुए हैं, दो तीन अदद, बल्कि रमेश कुमार भी हैं या खेलदास साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। सारा मसला जो है ना, ये सारा मसला मे भी शायद सीमा हैदर की वजह से हुआ है कि ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। वो हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं, वो तो दुश्मन हुए, फिर आप तो जाहिर है आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे ना। अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते PM के नोटिस। अगला लाहे अमल फिर जाहिर है कि हम पार्लियामेंट हाउस में जाके, हमने पार्लियामेंट हाउस के आगे जाके हमने धरना देना है, और हमने जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वही हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में मनेंगे, लेकिन भाई पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा हमसाया होकर हमारी, तो पाकिस्तान में तो ऐसा जुल्म नहीं होगा मेरे ख्याल से, बेटियों पर नजर रखता है ये पाकिस्तान में, तो भाई बताता है कि एक हमसाये की जायदाद पर नजर रखे, एक हमसाये को तंग किया जाए, गलत बात है, ये हमसाये का हक नहीं बनता। इस्लाम तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम के इखलाकियात नहीं पढ़ते। ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान हो गए, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो जिसको साथ ले जाए बाबा ये हमारी बन गई, अभी हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये आप अपने नसीब पर छोड़ दो या अल्लाह की तरफ पर छोड़ दो, इसके अलावा क्या कहें। आपकी कोई बात नहीं हुई उनसे, खुशियों से कोई बात नहीं हुई, नाम आपको मिलने दिया जा रहा है? 2 दिन दिया, उसके बाद नहीं, मिले हैं, लेकिन बंदूक गन पॉइंट पे मुलाकात करवाई गई है, और बंदे चार चार खड़े होते हैं सेट पर, वालिदैन के सामने उन बच्चियों को थप्पड़े मारी गई हैं। तो ऐसे माहौल में अब देखें कि खौफ के माहौल में वो क्या बयान दें, टॉर्चर किया गया, टॉर्चर बिल्कुल, ये सबको पता है। एक पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई हिंदू बच्ची अगवा होती है वो सीधी मियां मिट्टू के पास पहुँचती है, तो ये पूरा गैंग बना हुआ रियासत के अंदर, एक रियासत बनी हुई है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जाहिर है मैं समझता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती, इतना स्ट्रॉन्ग तो है रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग है। इस बात का अंदाजा भाई आप इस बात का लगाया ना कि माँ बाप के सामने भी उन्हें थप्पड़ मारेगी, तो ये आप ये सोचे कि बाद में उनके साथ क्या क्या होगा, बिल्कुल वो अंडर प्रेशर होंगे। अगर वो इस तरह का बयान भी दे देंगे हम मुसलमान हुई तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो प्रेशर में आकर उनको कोई धमकी दी गई या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला। ओ माय गॉड, ये थी भाई आज की वीडियो जो कि मैंने आपके सामने भाई मतलब आपको दिखाई, आप लोगों के साथ शेयर की। तो भाई वाकई जो है हम पाकिस्तानी हैं, हम भाई पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क है, ठीक है, पाक आर्मी है, हम हैं पाकिस्तानी हैं, सब लोग जो है भाई जो है हर बंदे को हक है जीने का। तो भाई जो गलती पे है उसे आप सजा दें, जो गलती पे नहीं है उसे आप उसका राइट दें, ठीक है। लिहाजा भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाई अपने भाई को दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।